गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब हमें इसमें कमाए हुए पैसों पर इनकम टैक्स अदा करना है। तो आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स कब है। साथ ही जानेंगे कि आपको अपनी ITR कब फाइल करनी है और क्या होगा अगर हमने ड्यू डेट में ITR फाइल नहीं करी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट कब है। तो अगर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या फर्म्स जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं, उनके लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 होगी। वहीं बिजनेसेस जिनके ऑडिट होने हैं, उनके लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर होगी। ऐसे केसेस जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्टिंग की जरूरत है, वैसे केसेस में ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 होगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है और आपको उस ITR में कुछ रिविजन्स करने हैं, तो रिवाइज ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 होगी। ये तो थी ITR फाइलिंग के डेट्स। अब बात करेंगे कि आपको अपनी ITR कब फाइल करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी ITR फाइल करो, उससे पहले आप 26AS, TIS एंड AIS इन तीनों को कम्प्लीटली मैच कर लो, क्योंकि अगर आपने मैचिंग नहीं किया और अगर कोई गलती सामने आ गई तो फिर आपको नोटिसेस का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 26AS में पूरे फाइनेंशियल ईयर का TDS तभी रिफ्लेक्ट होता है जब आपके डिडक्टर ने अपनी TDS रिटर्न फाइल करी हो। तो अगर डिडक्टर के TDS रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपनी ITR फाइल कर दी, तो हो सकता है कि कुछ मिसमैच रह जाए। इससे बेटर है कि TDS की रिटर्न की जो लास्ट डेट है यानी कि 31 मई 2023, उसके 15 दिनों के बाद से यानी कि 15 जून 2023 के बाद आप फाइलिंग करो, जिससे आपको अपने 26AS, TIS एंड AIS को मैच करने में आसानी होगी। तो अभी तक हमने देखा कि ITR फाइलिंग्स के ड्यू डेट्स क्या है और हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है, क्या होगा अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी आपके लॉसेस है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो या फिर म्यूचुअल फंड से और या फिर कोई प्रॉपर्टीज से या फिर आपके बिजनेस का लॉस हो, तो ऐसे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब, जैसे कि आपको इस साल आपके म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट से 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है, तो ड्यू डेट्स में ITR फाइल करने से जो आपका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और साथ ही नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है उससे वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपका भी कोई लॉस है तो कोशिश करें कि ड्यू डेट्स के अंदर ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि अगर आप ड्यू डेट्स में अपनी ITR फाइल नहीं करते हो, तो उस केस में आपको अपनी ITR रिवाइज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट पर नहीं फाइल करते हो, तो आपके जो टैक्स होंगे उस पर सेक्शन 234A के तहत 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपसे वसूला जाएगा। इस इंटरेस्ट के साथ साथ आप पर लेट फी भी लगाई जाएगी सेक्शन 234F में, जिसमें अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस 5 लाख तक की है तो आपसे ₹1000 लेट फी लिया जाएगा। वहीं अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस 5 लाख से ज्यादा की है तो आपसे ₹5000 की लेट फी लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी ITR ड्यू डेट में फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपके पास अपनी ITR को फाइल करने का आखिरी मौका होगा 31 दिसंबर 2023 और आपकी ITR बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ये तो थे रिटर्न से जुड़ी बातें। फ्रेंड, ITR फाइल होने के बाद हमें या तो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना पड़ता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, या फिर हम
फिजिकली साइन करके उस रिटर्न को सीपीसी बेंगलोर में भेजते थे वेरिफिकेशन के लिए, जिसके लिए हमें कुल 120 दिनों का समय दिया जाता था। पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो इस 120 दिन के समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। तो कोशिश करना है कि आईटीआर फाइलिंग के तुरंत बाद ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर ले, नहीं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मानी जाएगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।